अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है राजा सरोज सुखीब और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कौन से प्रिकॉशनरी मेजर्स लेके ना सिर्फ अपने आप को बचा सकते हैं बल्कि अपने इर्द गिर्द लोगों की भी हिफाजत कर सकते हैं और कोरोना वायरस से बच सकते हैं। हम बात करें दुनिया भर के अंदर तो इस वक्त तक 2 लाख लोग इससे मुतासर हो चुके हैं, जिसके अंदर 8,000 से ज़्यादा लोगों की हलाकत भी हो चुकी है और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर भी 256 केसेस सामने आ चुके हैं। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, आई थिंक इससे पहले कभी भी ये लाइन इतनी ज़्यादा अच्छे तरीके से अप्लाई नहीं हो सकती थी। जैसे कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस का अभी तक कोई क्योर मौजूद नहीं और ना ही इसकी कोई वैक्सीन तैयार हो सकी है, इसलिए इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से प्रिकॉशनरी मेजर्स लेके आप अपने आप को बचा सकते हैं। सबसे पहले बहुत ज़रूरी है कि आप अपने हाथों की हाइजीन का ख्याल रखें। 20 सेकेंड्स रूल WHO और CDC जैसी ऑर्गेनाइजेशंस ने पब्लिश किया है दैट इट्स अ मस्ट कि जैसे ही आप घर पहुंचें या कोई भी काम करें बाहर जाके तो वापस आते ही आपने 20 सेकेंड अपने हाथों को धोना है, जिसके अंदर अपनी टिप्स को भी साफ़ करना है, अपने थम्स को भी साफ करना है और अपने हाथों के बीच में भी जितनी भी मैल है उसको साफ़ करना है ताकि वायरस आपकी हाथों के अंदर ना रह सके। नंबर टू, ज़रूरी ये है कि आप जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है विद ह्यूमंस उसको कम से कम कर लें। अ रूल सेज कि यू हैव टू स्टे अवे एटलीस्ट 6 मीटर्स अवे फ्रॉम द पीपल जिनको पोटेंशियली कोरोना वायरस हो सकता है और ये रूल इसलिए भी अप्लाई होना चाहिए क्योंकि हम देखते हैं इर्द गिर्द जो सोशलाइजिंग होती है उसमें लोग एक दूसरे के बहुत करीब रहते हैं, सो अप्लाई दैट रूल ताकि आप इससे बच सकें। नंबर थ्री, जैसे ही आपको लगता है कि आपके अंदर कोई सिम्टम जाहिर हो रहा है तो आप अपने आप को फौरन आइसोलेट कर लें और अगर आइसोलेट नहीं कर सकते तो फौरन कोई इमरजेंसी लाइन पे कॉल करके मदद हासिल करें। पाकिस्तान के अंदर 1166 जो है वो डेजिग्नेट की गई है जहाँ पे आप कॉल करके फौरी मदद हासिल कर सकते हैं। नंबर फोर, ये ज़रूरी है कि अगर आपको खांसी आ रही है या आप छींक रहे हैं तो उसके दौरान आप अपने मुंह को कवर कर लें। इससे ये होगा कि वायरस जो है अगर वो आपकी सलाइवा के अंदर बाहर निकलती है तो वो किसी और को इन्फेक्ट नहीं करेगी। एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट और नंबर फाइव जो प्रिकॉशनरी मेजर है वो ये है कि आपने अपने घर के अंदर जो सर्फेसेज हैं जिनके अंदर डोर नॉब्स हैं या शीशे की कोई मेज़ है या इसके अलावा भी कोई फर्नीचर है तो उसको अच्छी तरह से धो दें। इसके अंदर ज़रूरी है उसको डिसइन्फेक्ट करने के लिए कि आप ब्लीच या अल्कोहल या इस तरह के जो दीगर चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल करें ताकि वो सर्फेसेस प्रॉपरली क्लीन हो सकें या आप इवन सोप और पानी के साथ भी उन सर्फेसेस को धो सकते हैं। नंबर सिक्स एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, क्योंकि हम हर वक्त अपने फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ज़रूरी है कि उसके ऊपर जो सर्फेस है उसको आप किसी क्लीनर से साफ़ कर लें और वो क्लीनर एंटी बैक्टीरियल होना चाहिए ताकि जो वायरस है उसको किल किया जा सके। नंबर सेवन, किसी के साथ भी खाना या पीना ना शेयर करें और अपने खाने और पानी को हर वक्त ढांप के रखें ताकि उसके अंदर वायरस ना जा सके। नंबर एट एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट वन इज़ कि अगर आप पब्लिक के अंदर हैं तो अपने हाथों को अपने मुंह, नाक और अपने आंखों पे ना लगाएं क्योंकि इसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर वायरस ट्रांसफ़र हो सकता है। नंबर नाइन इज़ कि आप अगर अपने घर से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। ऑल्दो इसके ऊपर डिफरेंट रिसर्चेज आ चुकी हैं और मास्क सिर्फ उन लोगों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है जो कि ऑलरेडी बीमार हैं या उनके अंदर पोटेंशियली वायरस हो सकता है, पर जस्ट एज अ प्रिकॉशनरी मेजर आप N95 मास्क यूज़ कर सकते हैं अगर आप पब्लिकली बाहर फिर रहे हैं। नंबर 10 एंड द फाइनल वन इज़ कि इस वक्त पे हम सबको मिलकर एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखानी पड़ेगी जिसके अंदर सोशल डिस्टेंसिंग जैसी जो मूवमेंट्स हैं उनको सपोर्ट करना पड़ेगा, यानी कि गैर ज़रूरी घर से बाहर ना निकलें। इस वक्त रेस्टोरेंट्स पे जाना और क्रिकेट खेलना और बाहर निकलना ज़रूरी नहीं है क्योंकि हम इस वबा को रोक सकते हैं और अगर हमने इसको आने वाले दिनों में ना रोका तो ये इतनी ज़्यादा फैल जाएगी जिसकी वजह से बहुत सारी हलाकतें हमारे मुल्क के अंदर भी हो सकती हैं। आखिर में मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा दैट यू हैव टू बी योर ओन शील्ड राइट नाउ, यू हैव टू बी योर ओन हीरो राइट नाउ एंड यू हैव टू प्रोटेक्ट पीपल अराउंड यू। अगली दफ़ा तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा एंड फॉर फर्दर अपडेट्स स्टे ट्यून्ड टू सिटी2 टीवी ऑन YouTube, Facebook एंड Instagram। अल्लाह हाफ़िज़।